दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में उनकी ईडी की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी अरविंद केजरीवाल अब 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल को खचाखच भरे अदालत कक्ष में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। ईडी ने अदालत से केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान बिल्कुल सहयोग नहीं किया। इसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। संघीय जांच एजेंसी ने मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अगले दिन विशेष न्यायाधीश बावेजा ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। अदालत ने ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उनकी रिमांड को 4 दिन बढ़ाकर 1 अप्रैल तक करने का अनुरोध किया गया था। इसी बीच इंडिया अलायंस के सभी मंत्री और नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे कि नहीं, इस पर बड़ा सवाल है। या फिर अरविंद केजरीवाल की जगह कोई और दिग्गज नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल से पूछे गए सवालों के जवाब ईडी तलाश रही है।